हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और इस जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच नेशन हैज़ कमिटेड डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन वर्थ 3500 करोड़ टू इंडिया। किस कंट्री ने इंडिया को जो असिस्टेंस लोन देने का, जो 3500 करोड़ का असिस्टेंस लोन देने का जो कमिटमेंट किया है? तो आपका ऑप्शन है रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो क्लियरली देख सकते हैं जापान जो है, इसने हमारा है जो इंडिया को है जो कोविड 19 से है जो टैकल करने के लिए हमारा है जो इमरजेंसी क्राइसिस रिस्पॉन्स सपोर्ट के रूप में हमारा 3500 करोड़ का हमारा है जो एक लोन प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है ये हमारा जो 0.1% सिर्फ इंटरेस्ट हमसे है जो जापान लेगा। अच्छा, जापान की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में हमारे जो इनके पीएम है वो कौन है? हमारे शिंजो आबी है। शिंजो आबी जो है हमारे प्रेजेंट में पीएम है। और जो नेक्स्ट चुने जाने वाले हैं वो कौन है? नेक्स्ट हमारे हैं जो योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा याद रखिएगा, ये हमारे जो नेक्स्ट हमारे जो पीएम बनने वाले जापान के। करेंसी अगर हम बात करते हैं तो जापान का करेंसी क्या है? ये हमारा एन है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं इसलिए ज़रूरी है याद रखना। और कैपिटल की हम बात करते हैं तो कैपिटल हमारे जापान का क्या है? टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो व्हेन विल पार्लियामेंट मॉनसून सेशन विल बिगिन। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है जो कब शुरू होने वाला है? आपके ऑप्शन है सितंबर 15, सितंबर 14, अक्टूबर 1 और सितंबर 20। तो क्लियरली आपका आंसर है सितंबर 14 से हमारा जो पार्लियामेंट का हमारा जो मॉनसून सेशन है जो शुरू होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये कोविड 19 पैंडेमिक के अंडर में हमारा हो रहा है और इसमें हमें जो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग है जो और जो मास्क वेयरिंग हमारा है जो फॉलो किया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं संसद भवन की तो हमारा जो संसद भवन है इसे किसने बनाया था? तो इसे हमें बनाया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट, पहले थे हमारे सर एडविन लुटियंस और दूसरा था सर हर्बर्ट बेकर। याद रखिएगा, ये कोई दोनों क्वेश्चन जो हमेशा जो पूछा जाता है कि जो हमारा जो संसद भवन जो है, हमारे संसद भवन को किसने बनाया था, हमारा जो चीफ आर्किटेक्ट है वो कौन? हमारे चीफ आर्किटेक्ट है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अच्छा, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कब किया था? तो कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था इसका 1921 में। कंस्ट्रक्शन शुरू किया था 1921 में, ये फिनिश कब हुआ था? ये 1927 में हमारा जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल बैंक विल इन्वेस्ट यूरो 650 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कानपुर फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन। कौन सा बैंक है जो हमारा 650 मिलियन यूरो हमारा जो प्रोवाइड कर रहा है कानपुर का पहला मेट्रो लाइन के लिए? तो क्लियरली इसका आंसर हम दे सकते हैं कि ये ईआईबी है। ईआईबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ईआईबी है जो हमें 650 मिलियन दे रहा है किसके लिए? तो 650 मिलियन हमें दे रहा है कानपुर में फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन हमारा बनाने के लिए। अच्छा, ईआईबी की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग में हमारा हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके प्रेजेंट में वर्नर होयर है और फाउंड कब किया गया था? 1958, ये याद रखिएगा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एट सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जनरल इन टेरा हिट श्रीनगर। तो हमारी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है जिन्हें जो आईजी का, मतलब आईजी जो श्रीनगर का आईजी है जो अपॉइंट किया गया है? तो आपके ऑप्शन है शिवानी आहूजा, श्रेया आर्या, अनिता झा, चारू सिन्हा। तो क्लियरली देख सकते हैं चारू सिन्हा है, इन्हें हमारा है जो श्रीनगर का आईजी है जो सिलेक्ट अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली महिला है जिसे है जो श्रीनगर का हमारा है जो आईजी है जो नियुक्त किया गया है। और जैसा हम जानते हैं कि श्रीनगर जो टेररिस्ट एरिया है तो काफ़ी ऐसे एरिया में पहली बार किसी महिला को है जो अपॉइंट किया गया है। अच्छा, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ? सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर हमारा है न्यू दिल्ली में और ये आता है हमारा होम मिनिस्ट्री के अंदर में। होम मिनिस्टर भी प्रेजेंट में कौन है? हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह। अच्छा, सीआरपीएफ का फाउंडेशन ईयर क्या? 1939, ये याद रखिएगा 1939, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच इन क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फिशियल ईयर 2021। मतलब हमारा जीडीपी का जो हमारा ग्रोथ रेट है कितने डाउन हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के?
क्लियरली हम देख सकते हैं जो हमारा जीडीपी का डाउन हुआ है, डाउन ग्रोथ हुआ है, वो हमारा 23.9% हमारा नेगेटिव में गया। याद रखिएगा 23.9% हमारा है जो नेगेटिव गया है, सबसे बुरा मतलब जीडीपी का भी कंडीशन हुआ है इतने सालों में। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था, ये फर्स्ट क्वार्टर हमारा था अप्रैल से जून का। तो अप्रैल से जून में हमारा क्या हुआ, अप्रैल से जून में हमारा जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस थे वो बंद थे कोविड-19 की वजह से। एक रीज़न ये हुआ, इसलिए हमारा जो डिमांड है और सप्लाई दोनों हमारा बंद था, इसीलिए हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है हमारा जो इतना डाउन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी कैलकुलेशन की। जीडीपी कैलकुलेशन इसमें क्या 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 है जो कंसिस्ट करता है। तो हमारा जीडीपी कैलकुलेशन में हमारा जितने प्राइवेट पब्लिक कंजप्शन है, फिर गवर्नमेंट आउटलेज हो गए, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा इंक्लूड किया जाता है, फिर प्राइवेट इन्वेंट्री हो गई। अच्छा, एक्सपोर्ट को हमारा है जो ऐड किया जाता है और इम्पोर्ट को हमारा है जो सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ये याद रखिएगा जीडीपी कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री है जो किस स्टेट में हमारा है जो इंस्टॉल किया गया। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, ये हमारा जो सोलर ट्री है ये हमारा वेस्ट बंगाल में हमारा इंस्टॉल किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, तो यहाँ दुर्गापुर जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है दुर्गापुर में वहाँ किया गया है। इसका कैपेसिटी है 11.5 KWH। अच्छा, हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम हमारी है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है, गवर्नर है जगदीप। और कैपिटल की हम बात करते हैं कोलकाता, जान ही रहे हम। फिर एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन अम्फान। साइक्लोन अम्फान हमारा कहाँ आया था, ये हमारा आया था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, दोनों जगह हिट किया था। फिर एक जॉब पोर्टल है कर्मभूमि, ये कर्मभूमि जॉब पोर्टल ये हमारा कहाँ लॉन्च किया गया था, ये कर्मभूमि जॉब पोर्टल हमारा है जो वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया था, किसके लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। फिर फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस, ये भी हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल में खोला गया था। उसके बाद इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो, याद रखिएगा इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बन रहा है, ये कोलकाता में बन रहा है। अच्छा, बात करते हैं फिर कुछ ऐप्स की, तो हमारा संधाने ऐप, संधाने ऐप हमारा कहाँ लॉन्च हुआ था, ये भी हमारा है जो वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ था। फिर एक है मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना, ये तीनों जो योजनाएं कहाँ खोली गई थी वेस्ट बंगाल में। स्टैटिक की हम बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल से पूछा जाता है सुंदरबन के बारे में, सुंदरबन हमारा है जो कहाँ, ये हमारा है जो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और हमारा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, तो हमारा बक्सा नेशनल पार्क, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे बक्सा नेशनल पार्क हो गया, जल्दा पारा, महानंदा, ये हमारा जो पूछा जाता है। फिर लेक में हमारा रविंद्र सरोवर, याद रखिएगा रविंद्र सरोवर हमारा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। एक स्टेडियम पूछा जाता है, स्टेडियम भी याद रखिएगा कि हमारा ईडन गार्डन हमारा कहाँ, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। फिर हमारा थर्मल प्लांट में हमारा जो फरक्का सुपर थर्मल प्लांट, एक याद रखिएगा। अच्छा, फरक्का बैरेज, ये भी हमारा है जो वेस्ट बंगाल में, इसका पर्पस क्या था, तो फरक्का बैरेज का पर्पस था जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है उसका पानी को डाइवर्ट करना, और मेनली कोलकाता पोर्ट को जो सेव करने के लिए हमारा बनाया गया था। होता क्या था, बहुत ज़्यादा सिल्ट फॉर्मेशन होता है, सिल्ट फॉर्मेशन होता है तो घास जम जाता है, तो हमारा जो वाटर जो हमारा है जो कम गहरा हो जाता है, उसे हमारा है कि पानी का जहाज उसमें हमारा है जो चल नहीं पाता, इसलिए हमारा फरक्का बैरेज बना के वहाँ जो पानी को डाइवर्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा है जो गाद है जो उधर डाइवर्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन हैज बिल्ट अ सरफेस टू एयर मिसाइल नियर ए लेक विच इज ए पार्ट ऑफ कैलाश मानसरोवर। तो हमारा किस कंट्री ने हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल हमारा है जो लगाया है कैलाश मानसरोवर के रास्ते में। तो क्लियरली ऑप्शन देख सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इंडिया। तो इसका आंसर आप भी जानते हैं कि चाइना ने ये किया है। चाइना ने क्यों किया, कि अभी इंडिया चाइना में हमारा टेंशन चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग है इसने जो कैलाश मानसरोवर के रास्ते में हमारा है जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर हमारा है जो इंस्टॉल किया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है चाइना से रिलेटेड, वो बात करते हैं। तो चाइना से रिलेटेड करंट अफेयर में हमारा आता है कि चाइना लॉन्च कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सेटेलाइट। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है एपस्टार 6D, ये याद रखिएगा। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे इस तरह के क्वेश्चन है जो पिछले पहले भी पूछा जा चुका है। आप 2016 का पेपर का एनालिसिस करिएगा तो उसमें आप देख सकते हैं।
कि वो पूछता है कि मतलब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पेशली जो नाइबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में ज़्यादा पूछता है। तो ये जो था ये हमारा 18वां रॉकेट था, या फिर 18th रॉकेट लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2020, 2020 में 18वां रॉकेट इसने लॉन्च किया था। फिर एक और सैटेलाइट सिस्टम इसने लॉन्च किया था, BDS-3। BDS-3 क्या है? बेडू सैटेलाइट सिस्टम 3। ये भी हमारा किसने लॉन्च किया था? चाइना ने। अच्छा, चाइना ने COVID-19 से हमारा निपटने के लिए बियर वायल का यूज करने के लिए कहा था, याद रखिएगा। बियर वायल सजेस्ट करने वाला कंट्री कौन था? चाइना था। और एक है हमारा लॉन्ग मार्च फाइव, ये हमारा जो है लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट सिस्टम है, ये हमारा किसने लॉन्च किया था? ये अभी हमारा जो चाइना ने लॉन्च किया था। अच्छा, प्रेजिडेंट की बात करते हैं, तो प्रेजिडेंट में प्रेसिडेंट कौन है चाइना का? तो ये हमारे जिनपिंग है, जी जिनपिंग है। और कैपिटल क्या है? बीजिंग है। करेंसी यहाँ की है रेनमिंबी। ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंड्रिन। अच्छा, मैंड्रिन लैंग्वेज से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का जो है सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज में हमारा है जो क्या बना गया है, मैंड्रिन को हमारा है जो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन हाउ मच टाइम टू टेलीकॉम कंपनीज टू क्लियर देयर पेंडिंग एशिया ड्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम दिया है टेलीकॉम कंपनीज को अपना पेंडिंग एजीआर कंप्लीट करने के लिए, मतलब देने के लिए? 15 साल दिया है, 10 साल दिया है, 20 साल या 5 साल? क्लियरली हम देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमारा है जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज है, मेनली इसमें कौन है? मेनली हमारा वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है, इसको हमारा एजीआर ड्यू पे करना है अब आने वाले 10 सालों में। अच्छा, एजीआर की हम बात करते हैं, तो एजीआर का फुल फॉर्म क्या है? एजीआर का फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म वगैरह है जो पूछा जाता है। अच्छा, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ईयर याद रखिएगा, ईयर हमारा इंपॉर्टेंट है। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे इसके? तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इसके आर्किटेक्ट थे गणेश भिखाजी देवलीकर, याद रखिएगा, गणेश भिखाजी दावलीकर। अच्छा, हम बात करते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ डिस्क्राइब किया गया? सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्ट 5 में डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल हमारा 124 से लेके 147, इतना के बीच में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ब्लॉक्ड हाउ मेनी मोबाइल ऐप्स ऑन September 2, 2020। तो इंडिया ने कितने मोबाइल ऐप्स को हमारा है जो बैन किया है? तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि 118 ऐप को हमारा इंडिया ने हमारा बैन किया है। अच्छा, क्यों बैन किया गया? तो इसे हमारा है जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के रिगार्डिंग, मतलब सिक्योरिटी जो है, ये होता क्या है एक्चुअली में, ये ऐप जो है, ये जो भी हमारा डाटा कलेक्ट करते थे, ये हमारा जो चाइना को हमारा जो भेजने का आरोप इस पर लगाया गया, इसीलिए इसको नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स पे हमारा बैन लगाया गया। अच्छा, इसमें पबजी भी इंक्लूडेड है, पबजी काफ़ी फेमस ऐप है भारत में, इसके जो 33 मिलियन एक्टिव यूजर है पबजी का, इसलिए इससे क्या है कि चाइना को बहुत लॉस होने वाला है। अच्छा, चाइना का ये बात करते हैं हम पबजी का, तो पबजी का जो हमारा पेरेंट कंपनी है इसका नाम है ब्लू होल, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पेरेंट कंपनी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लू होल, ये पबजी का पेरेंट कंपनी है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा साउथ कोरियन कंपनी, याद रखिएगा, चाइनीज कंपनी नहीं है, जो पेरेंट कंपनी हमारा है ये साउथ कोरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच मिशन फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो सिविल सर्विसेज जो है हमारा, जो सिविल सर्वेंट है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन सा है जो मिशन हमारा है जो कैबिनेट ने लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है मिशन शक्ति, मिशन सिवाय, मिशन द्रोणा, मिशन कर्मयोगी। तो क्लियरली हम देख सकते हैं मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी हमारा लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे IAS IPS ऑफिसर हैं उनकी जो एक बार ट्रेनिंग होती है उसके बाद वो अपना काम रेगुलर करते रहते हैं, पर उनका क्या है कि जैसे सिचुएशन चेंज होता रहता है उसके हिसाब से उनमें स्किल और नॉलेज डेवलप नहीं होता है, इसीलिए अब मिशन कर्मयोगी के अंडर क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके बीच बीच में भी हमारा है जो ट्रेनिंग हमारा दिया जाएगा, ताकि उनका है जो नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ सके और वो ज़्यादा एफिशिएंटली हमारा है जो सर्विस प्रोवाइड कर सके। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक क्या है? ये 56 है, 48 है, 72 है, या फिर 65? तो क्लियरली हम देख सकते हैं इंडिया का जो प्रेजेंट रैंक है ये हमारा है जो 48 है।
अच्छा, जब प्रीवियस रैंक था इंडिया का कितना था? तो प्रीवियस रैंक था हमारा 52, इससे हमने अप करके कितना पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं 48 पे। तो अभी इंडिया है जो टॉप 50 कंट्रीज में हमारा आ रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। अच्छा, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसे रिलीज कौन करता है? तो ये हमारा रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा जो लॉन्च करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन WHO लेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डेवलप एंड डिस्ट्रीब्यूट द COVID-19 वैक्सीन? तो किस कंट्री ने हमारा है जो WHO के द्वारा जो हमारा एफर्ट किया जा रहा है COVID-19 का वैक्सीन बनाने के लिए, तो उसको जो ज्वाइन करने से मना कर दिया है? आपके ऑप्शन है जापान, रसिया, US, चाइना। तो क्लियरली देख सकते हैं USA ने हमारा है जो WHO से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है COVID-19 वैक्सीन का हमारा जो बनाने के लिए। इनका मानना है कि ये मतलब जो ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का करना है, ये है जो WHO पे हमारा है जो डिपेंड नहीं है, ये अपना वैक्सीन हमारा है जो खुद बनाएंगे। अच्छा, बात करते हैं अमेरिका की। तो प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या, प्रेजेंट क्या कैपिटल क्या है? तो वाशिंगटन DC। और अमेरिका से अभी अमेरिका ने रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो याद रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसराइल लेबनान, जो इसराइल लेबनान डील है किसने कराया? ये हमारा अमेरिका ने कराया, एक्चुअली में ट्रंप जी ने कराया। फिर हमारा नेक्स्ट है इसराइल UAE, इसराइल UAE डील हमारा है जो, ये किसने कराया? ये भी हमारा है जो ट्रंप ने कराया। इसलिए इनको है जो क्या किया जा रहा है, इसलिए इनको है जो नोबल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। नोबल पीस प्राइज़ के लिए किस लिए नॉमिनेट किया गया? तो इसराइल UAE जो डील हुआ हमारा, इसराइल UAE डील, इसके लिए हमारा जो नॉमिनेट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस प्राइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज बीन रैंक द वर्ल्ड नंबर वन इन सोलर कैपेसिटी? तो सोलर कैपेसिटी में हमारा है जो वर्ल्ड नंबर वन किस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को नॉमिनेट किया गया? आपका ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अडानी ग्रीन। तो क्लियरली देख सकते हैं जो अडानी ग्रीन हमारा है, इसे हमारा है जो इंडिया का है जो इंडियाज नंबर वन सोलर एनर्जी कंपनी में हमारा है जो नॉमिनेट किया गया है। ये प्रेजेंटली हमारा कितना दे रहा था, 2.3 GW हमारा है जो हमारा ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, बात करते हैं अडानी ग्रीन का, इसका हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अडानी ग्रुप है। और फाउंडर कौन है? फाउंडर हमारे हैं गौतम अडानी, आप सब जानते हैं इनको। अच्छा, ये किस ईयर बनाया गया था? 2015 में हमारा बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा याद रखिएगा कि हमारा जो वर्ल्ड वर्ल्ड टॉप सोलर कंपनी हमारा बना है इंडिया का, वो कौन है? अडानी ग्रीन। जितने भी फर्स्ट हैं याद रखिएगा, करंट अफेयर में जो भी हमारा फर्स्ट डिस्कस हो रहा है, ये फर्स्ट हमेशा याद रखिए, चाहे वो फर्स्ट वोमेन हो, फर्स्ट मेल हो, फर्स्ट कंपनी हो, जो भी हमारा फर्स्ट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमने रेलवेज और SSC में हमने देखा है जो फर्स्ट होता है उसे पक्का पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू इंटर द सेकेंड राउंड ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल इवेंट इन द लास्ट 7 ईयर्स? तो हमारा पिछले 7 सालों में ग्रैंड स्लैम सिंगल इवेंट में एंट्री लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपके ऑप्शन है सुमित नागल, प्रजनेश गुणेश्वरन, सोमदेव देववर्मन, यूकी बाम्बर। क्लियरली हम देख सकते हैं जो सुमित नागल हैं, ये हमारे हैं जो सिंगल इवेंट्स में, हमारे ग्रैंड स्लैम सिंगल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले पिछले 7 सालों में ये हमारा है जो इंडियन बने हैं। अब प्रेजेंट रैंकिंग इनकी क्या है? प्रेजेंट रैंकिंग इनकी है जो वर्ल्ड नंबर रैंकिंग है 122 है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारे कौन पहुँचे थे? तो लास्ट टाइम हमारे सोमदेव वर्मन है, ये हमारे पहुँचे थे ये सेकेंड राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और फ्रेंच ओपन 2013 में। उसके 7 साल के बाद आफ्टर 7 ईयर्स अभी कौन पहुंचे हैं? ये हमारे सुमित नागल, ये हमारा ग्रैंड स्लैम इवेंट में हमारा जो पहुंचा, किसमें? हमारा US ओपन में, याद रखिएगा US ओपन में ये हमारा है जो पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड कोकोनट डे हमारा जो कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है September 2, September 1, August 31, August 30। तो क्लियरली जैसे 2 सितंबर जो हमारा है, इस दिन वर्ल्ड कोकोनट डे हमारा जो मनाया गया है। अच्छा, वर्ल्ड कोकोनट का हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसका रहता है तो क्रिएट अवेयरनेस अक्रॉस द ग्लोब अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट एंड बेनिफिट।
कोकोनट, और इसके क्या क्या बेनिफिट है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारा जो वर्ल्ड कोकोनट डे हमारा 2 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर महीने के अदर इम्पोर्टेंट डेज की हम बात करते हैं तो सितंबर 8 तारीख को क्या है, तो 8 तारीख को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सितंबर 10 को हमारा क्या था, सितंबर 10 को था हमारा WSPD मतलब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 को हमारा था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे और हिंदी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। सितंबर 14 को हमारा क्या मनाया गया, हिंदी दिवस, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। फिर 15 की हम बात करते हैं तो 15 को हमारा क्या मनाया जाता है, 15 को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, दो चीज़ें हैं। फिर सितंबर 16 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस दिन हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। जब वर्ल्ड ओजोन डे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा है जो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डे से जो इम्पोर्टेंट जरूर पूछा जाता है, जैसे वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, फिर हमारा रामसर वेटलैंड जो हमारा कन्वेंशन हुए उसके बारे में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेटअप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन। तो किस स्टेट ने हमारा डिसाइड किया है कि एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन बनाने के लिए, आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इसे हमारा है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा है जो डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारे चोरी होती है उसको प्रिवेंशन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, और ये लवा लवा हमारा है जो सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारा है जो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के। सही, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में सीएम हमारे हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे गवर्नर कौन है, तो ये हमारे गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, और कैपिटल हो गया हमारा लखनऊ। फिर हमारा एक करंट अफेयर की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, मिशन वृक्षारोपण 2020 ये हमारा कहाँ मनाया गया था, ये हमारा है जो मनाया गया था हमारा उत्तर प्रदेश में। से इम्पोर्टेंट क्यों है, तो 25 करोड़ सैपलिंग हम प्लांट हमारा लगाए थे, जैसे 25 करोड़ सैपलिंग प्लांट हमारा लगाए गए थे उत्तर प्रदेश में इसके अंडरगट में। फिर आता है बाल श्रमिक विद्या योजना, ये हमारा कहाँ लॉन्च हुआ था, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर हमारा आयुष कवच कोविड ऐप, याद रखिए जितने भी कोविड 19 से रिलेटेड ऐप है और जो भी न्यूज़ है उनका एक मैं कंपाइलेशन बना दूंगा, कंपाइलेशन वीडियो, एक ही वीडियो में हमारा जो टोटल उसमें आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा हमारा ऐप वगैरह लॉन्च हुआ था और कौन कौन सा हमारा जो योजनाएं लॉन्च हुई थी कोविड 19 से लड़ने के लिए। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा था आपको फर्स्ट याद रखिएगा, तो फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट, फर्स्ट स्टेट विद ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस वर्चुअल कोर्ट, ये हमारा कौन बना, ये हमारा उत्तर प्रदेश बना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारा फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट हमारा ऑर्गेनाइज किया था। और फिर जियो एक कम्युनिटी किचन है हमारा, फर्स्ट स्टेट बना है उत्तर प्रदेश जियो टेक कम्युनिटी किचन लॉन्च करने के लिए। फिर टीम इलेवन याद रखिएगा, ये हमारा है जो इम्पोर्टेंट है। टीम इलेवन क्या है, तो टीम इलेवन बनाया गया था हमारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और इंडिया यूके के बीच में एक इवेंट होता है इंद्रधनुष, ये भी हमारा किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और यूके के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये हमारा कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था। फिर डिफेंस एक्सपो भी हमारा यूपी में हुआ था। फिर देखे दामिनी हेल्पलाइन सिस्टम दामिनी हेल्पलाइन सर्विस ये हमारा कहाँ लॉन्च किया गया था, ये भी हमारे यूपी में, वोमेन का सेफ्टी के लिए। और फिर फर्स्ट वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल, ये हमारा कहाँ लॉन्च किया गया, ये भी हमारा है जो मेरठ यूपी, याद रखिएगा मेरठ यूपी में हमारा है जो लॉन्च किया गया। फिर थोड़ा स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं तो डांस फॉर्म हमारा एक कथक डांस फॉर्म, ये हमारा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। फिर एक आर्ट फॉर्म है चिकन करी, ये हमारा कहाँ का है, ये भी हमारा है जो उत्तर प्रदेश का है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये हमारा दुधवा, याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ है, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। और बर्ड सेंचुरी में हमारा ओखला, बकेरा, तसराना, ये तीन बर्ड सेंचुरी हमारा आता है उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बात करते हैं ये स्टेट टोटल डिस्ट्रिक्ट की, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और लोकसभा सीट में सबसे हाईएस्ट कहाँ है, सबसे हाईएस्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। टोटल कितना है, 80 है। सबसे हाईएस्ट सीट हमारा कहाँ से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है। और इससे रिलेटेड जो हमारा करंट अफेयर देखें
तो हमारा जियो टेक कम्युनिटी दामनी हेल्पलाइन सिस्टम, इसके बारे में हमने हमने बात कर ली। सिर्फ स्टेट फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन भी याद रखिएगा, कभी कभी स्टेट फॉर्मेशन भी पूछता है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश बना था किस वर्ष बना था, तो हमारा 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारा ये जो बना था। तो इतने सारे जो रिलेटेड डाटा है जो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया कर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।